हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता है आपके मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, विंडो के अंदर विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं, आज हम वो देखते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल लिख देता हूँ, कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ, ओपन कंट्रोल पैनल। उसमें प्रोग्राम एंड फीचर्स, पहले उसमें रूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रोग्राम एंड फीचर्स, उसमें टर्न ऑन वाला ऑप्शन, टर्न विंडो फीचर वाला, उसमें पहले वाला वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म टिक कर देंगे, दूसरा विंडो सैंडबॉक्स टिक कर देंगे और ओके। आपको ड्यूअल स्क्रीन करना है तो ये इंस्टॉल कर दीजिए, ओके। कोई भी विंडो 10, 11 में, दोनों में आप ये कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं ड्यूअल स्क्रीन के लिए। अभी इंस्टॉल हो रहा है। आपको सर्वर बनाना है, सर्वर आपको क्रिएट करना है तो ये दोनों exe आप इंस्टॉल कर दीजिए। जो विंडो 10 में सर्वर बनाना है तो मैं यहाँ पे पीसी रिस्टार्ट कर देता हूँ। विंडो 10 में आपको सर्वर क्रिएट करना है तो दोनों आप इंस्टॉल कर दीजिए, बाद में वर्चुअल बॉक्स ओपन कीजिए। ये रिस्टार्ट कर देता हूँ, पीसी रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये रिस्टार्ट हो गया मेरा पीसी और मैं ओपन कर रहा हूँ विंडो सैंड बॉक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैंड बॉक्स, विंडो सैंड बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। आपका वर्चुअल विंडो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं वर्चुअल विंडो में। ये अभी लॉगिन हो रहा है। देखिए वर्चुअल विंडो क्रिएट हो गया। आपको ड्यूअल स्क्रीन करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल विंडो, यहाँ पे हम आइकन भी डेस्कटॉप पे रख देते हैं, राइट क्लिक करके थीम्स में जाके। अप्लाई, ओके, ये आ गया। देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन, सब कुछ वर्किंग होगा। जो हमारा नॉर्मल पीसी है ऐसा ही काम कर सकते हैं। आपके पास ड्यूअल स्क्रीन है तो ये वर्चुअल स्क्रीन।